जितने भी बड़े वकील हमारे हुए हैं वो सच्चाई की बुनियाद पे ही नाम पाया है। बीपीसी सारे इकट्ठे पढ़ते हैं, सीआरपीसी भी सारे पढ़ते हैं, जी जी कानून सब पढ़ते हैं, लेकिन जो असल जो ताकत है वकील की वो है जिसे लोग सच समझे। जी जी और उनकी सच्चाई पे वो याद पड़ता है कि एज जूनियर लॉयर हम लोग एमबी जबान साहब के खिलाफ बातें करते थे। जी जी गैस भी नहीं करते और फैसला भी नहीं हक में आ जाता है। जी जी तो असल बात ये थी कि एमबी जबान साहब जो मतलब जो मर्जी कह लो, लेकिन वो जब कहते थे कि फला मेरा शायर जो है इतना जिम्मेदार है, इतना इसमें बुरा है, इतना नहीं है, तो जज साहबान उनकी इस बात को मानते थे कि इससे सच्ची बात। बहुत उमदा बात की। तो डॉक्टर साहब ये चूंकि मैं जर्नलिस्ट हूं और मुझे भी अब 38-39 ईयर्स हो गए हैं और बहुत बड़े अखबार से भी वाबस्ता रहा हूं, तो मैं अपने तौर पे एक एक प्रोग्राम में था, तो एक लाइव प्रोग्राम चला था जिसमें क्वेश्चन आंसर भी आ रहे थे लोगों की तरफ से क्वेश्चंस। उन्होंने एक बड़े किसी ने भोले से अंदाज में हमसे सवाल मुझसे पूछा कि ये जनाब आप जो अखबार में खबरें छापते हैं या टीवी पे बोलते हैं चीजें, ये सच्ची होती हैं? पहले तो खैर मैं 2-3 मिनट हंसता रहा कि हमारे बारे में परसेप्शन क्या है। तो मैंने कहा जी देखिए, जैसे ये एक सिपाही की तरह होता है जर्नलिस्ट, अगर वो समझे आपने इस मिशन को, कि वो अपने अंदर भी तो शर्मिंदा होगा ना। एक तो आंसरेबिलिटी आपके आगे है, आवाम के आगे, सबसे पहले तो अल्लाह के आगे है, उसके बाद आवाम के आगे, अंदर से भी शर्मिंदा होगा। हाँ वो एक अलग बात है डॉक्टर साहब कि हमारा अंदर ना मर जाए, अगर अंदर ही मर गया साढ़ा तो फिर तो अल्लाह ही आफत है। और जो बात आपने की है सहाफत के मुतालिक, यही बात दुरुस्त है वकालत के मुतालिक। जी जी मैं इसी को मुंतबिक करके देख रहा हूं ना कि एक वकील कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अपने दिल में कम से कम वो फील करे कि मैं झूठ पे चल रहा हूं। ये भी तो है ना जी, एक तो चैलेंज उसको अपनी पर्सनैलिटी का भी है। तो हम तो लोग वैसे एकदम मुर्दे इल्जाम ठहरा देते हैं,